अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं डबल लेयर की चिकन दम बिरयानी, और ये मेरी माँ ने बनाया है, तो प्लीज़ इस रेसिपी को पूरा ही देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 2 चम्मच गर्म मसाला पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर। यहाँ पे मैंने 5 आलू लिया है जिसे छील के 2 टुकड़ों में काट लिया है और इसे फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी डालकर इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम अपने खड़े मसाले देख लेते हैं। मैंने 10 से 15 काली मिर्च, 1 टेबल स्पून साया ज़ीरा, 10 से 12 लौंग और 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े, 5 से 6 तेज़पत्ता, 2 बड़ी इलायची, थोड़े से जावित्री, 2 से 3 बादियान का फूल, 4 से 5 छोटी इलायची। यहाँ पे मैंने 4 प्याज का बेरिस्ता बना लिया है। ये होममेड है, आप बाहर से भी ले सकते हैं। ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है। 200 ग्राम दही या 1 कटोरी भरकर भी आप दही ले सकते हैं। 2 बड़े साइज़ के टमाटर जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है कुछ इस तरह से। अब हम लेंगे 2 चम्मच अदरक और 2 चम्मच लहसुन का पेस्ट। अब हम लेंगे पुदीना जिसे मैंने अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है, और 1 नींबू, इसका रस हम निकाल लेंगे। अब हम लेंगे धनिया पत्ती यानी कोरिएंडर लीव्स, इसे मैंने अच्छे से धोकर बारीक चॉप कर लिया है। ये है चिकन जिसे मैंने हल्दी और नमक लगा करके 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करके छोड़ा है। गैस के फ्लेम को ऑन कर देंगे। इसमें पतीली रख देंगे, इसमें रखेंगे 4 बड़े चम्मच तेल और इसमें सब खड़े मसाले डाल देंगे। अब डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे अच्छे से भून लेंगे। अब यहाँ पे हमें डाल देना है साया ज़ीरा। साया ज़ीरा हम पहले इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि ये तेल में जल जाएगी। अब डाल देंगे टमाटर जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया था, इसे हमें तेल में गलने तक पकाना है। टमाटर को अच्छे से भून लेंगे गलने तक। अब हम यहाँ पे नमक डाल देंगे। नमक डाल देने से टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। यहाँ पे मेरी माँ ने अपने अंदाज से लिया है नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले सकते हैं। और यहीं पे हम डाल देंगे अपने सारे ड्राई मसाले, इसे भी अच्छे से तेल में भून लेंगे। अब यहाँ पे डाल देंगे बेरिस्ता। यहाँ पे हम आधा बेरिस्ता ही यूज़ करेंगे और आधा लेयरिंग के टाइम पे हमें यूज़ करना है। इसे अच्छे से मसाले में मिक्स कर देंगे। अब डाल देंगे दही। यहाँ पे हम पूरी दही को यूज़ कर ले रहे हैं। इसे अच्छे से मसाले में मिक्स कर देंगे। फ्लेम को हमें स्लो रखना है। अब हम डाल देंगे धनिया पत्ती यानी कोरिएंडर लीव्स, इसका भी हमें आधा लेना है और आधा लेयरिंग के टाइम पे यूज़ करेंगे। अब ले लेंगे पुदीना यानी मिंट, इसका भी हमें आधा हिस्सा ही लेना है। मसाले भुनने के बाद इसमें हम चिकन डाल देंगे। चिकन भुन गया है और इसके बाद इसमें आलू डाल देंगे। दोनों को हम अच्छे से भून लेंगे। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर अपने घर पर ट्राई करें, बहुत ही मस्त बनती है। मेरी माँ ने इसे बहुत ही इजी वे में बनाया है। मोस्टली तो बिरयानी बनने में बहुत ही वक्त लगता है, लेकिन ये बिरयानी बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही लाजवाब बनती है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे नींबू का रस, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे थोड़ी देर ढककर पका लेंगे। ढकने से चिकन सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो चिकन को अब हटा लेंगे हम। अब चलते हैं हम चावल की तरफ। चावल बनाने के लिए एक पतीली लेंगे, उसमें डालेंगे थोड़े से मिंट, थोड़े कोरिएंडर लीव्स
और गरम मसाले आधे मैंने चिकन में डाला था और आधा यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। 2 से 3 हरी मिर्च, 2 बड़े चम्मच तेल और नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग रख लीजिए। यहाँ पे मेरी माँ ने पानी अपने अंदाज से लिया है। अब हम इसे ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे पानी बॉईल हो चुका है और सारे मसालों की खुशबू पानी में आ चुकी है, तो हम सारे गरम मसाले को अलग कर लेंगे क्योंकि बहुत से लोगों को साबुत मसाले अच्छे नहीं लगते हैं, तो आप इसे रिमूव कर लीजिए पानी से, जहाँ तक पॉसिबल हो निकाल लेंगे। अब हम पानी को और अच्छे से बॉईल होने देंगे क्योंकि जितना ज़्यादा पानी बॉईल होगा उतना अच्छा टेस्ट इन्हेंस होगा बिरयानी के लिए। यहाँ पे मैंने 700 ग्राम चावल का यूज़ किया है, इसे मैंने 2 घंटे तक सोख कर दिया था। अब इसमें सारे चावल को ट्रांसफ़र कर देंगे पानी में और चावल को पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ढक्कन रख देंगे, फ्लेम हमें हाई रखना है अभी। यहाँ पे ये देखिए 50% चावल पक चुका है, हमें 80% तक पकाना है चावल को। 80% ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। अब चलते हैं इसके लेयरिंग की तरफ। आधा चिकन को हम एक दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे क्योंकि हम डबल लेयर की चिकन बिरयानी बना रहे हैं, तो यहाँ पे 2 लेयर लगाएंगे। आप इसी तरह से सेम मेथड को फॉलो करिए, इससे आपकी बिरयानी बहुत ही अच्छी बनेगी और बहुत ही जल्दी बनेगी। आधे चिकन को पतीली में ही रहने देंगे, इसमें डालेंगे थोड़े से बिरिस्ता, थोड़े से कोरिएंडर लीव्स यानी धनिया की पत्ती और इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे मिंट यानी पुदीना, इसे भी अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे चावल, यहाँ पे हम अभी आधे चावल का यूज़ करेंगे और आधे चावल को हम टॉप के लेयर में डालेंगे। और इसे अच्छे से बराबर कर लेंगे स्पून के हेल्प से। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इसे बनाने के बाद तो हमें ज़रूर से कमेंट करें और बताएं कि आपकी बिरयानी कैसी बनी है। ये देखिए अब हम इसकी दूसरी लेयरिंग कर रहे हैं। यहाँ पे अभी बराबर से पूरे चिकन और आलू को डाल देंगे। आज की बिरयानी मेरी माँ ने बनाया है। इसी तरह हम आपके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई रेसिपी लेकर के आएंगे और बिरयानी की भी अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आएंगे मटन के साथ और नए फ्लेवर के साथ। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन आते रहें। हमारी बनी हुई रेसिपी बहुत ही सिंपल और इजी होती है, जैसा कि हमारे चैनल का नाम है इजी कुकिंग विद सबीहा। हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार दें और हमें सपोर्ट करते रहें। सेकेंड लेयरिंग के लिए भी चिकन हमने डाल दिया है। अब इसके ऊपर वापस से बिरिस्ता डालेंगे और थोड़े से कोरिएंडर लीव्स, इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब इस पर डालेंगे पुदीना के पत्ते यानी मिंट लीव, इसको भी हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब इसके टॉप के लेयर के लिए हम डालेंगे इस पर चावल, जिसे मैंने 80% ही कुक किया था, इसे भी अच्छे से हम बराबर कर लेंगे। सारा चावल हमारा ट्रांसफ़र हो चुका है। अब इसके टॉप के लेयर में हम डालेंगे मिंट लीव, कोरिएंडर लीव्स और अपने जितने भी बचे हुए बेरिस्ता सब इसके ऊपर डाल देंगे। इसे सजाने के लिए हम इस पर डाल रहे हैं हरी मिर्च
यानी ग्रीन चिलीज। अब इसके टॉप के लेयर में हम कलर डालेंगे। मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का यूज़ किया है और ऑरेंज कलर का भी यूज़ किया है। थोड़ी सी जगह पे हम ग्रीन कलर डालेंगे और थोड़ी सी जगह पे ऑरेंज कलर। अगर आपके पास ग्रीन कलर अवेलेबल ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह से डाल लीजिएगा सारे कलर्स को। इस कलर को मैंने दूध में घोला है, आप चाहें तो पानी में भी घोल सकते हैं। मैंने यहाँ पे केवड़ा को स्किप किया है क्योंकि मेरे घर में कोई केवड़ा पसंद नहीं करता है। आप चाहें तो यहाँ पे केवड़ा वाटर और रोज़ वाटर दोनों का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम हेवी बॉटम का पैन ले लेंगे यानी लोहे का तवा। फ्लेम को हम हाई रखेंगे ताकि हमारा तवा अच्छे से गर्म हो जाए और इसके ऊपर बिरयानी की पतीली को डाल देंगे दम करने के लिए। कम से कम 10 मिनट के लिए हमें फ्लेम को हाई रखना है। उसके बाद हमें 20 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाना है। बिरयानी को दम करने में 25 से 30 मिनट का वक्त लग जाएगा। इसके बाद हम ढक्कन खोल लेंगे और देखेंगे कि कैसी बनी है बिरयानी। ये देखिए कितनी यम्मी लग रही है ना बिरयानी। तो अब इसे सर्व कर देते हैं। इसे रायते या सैलेड के साथ सर्व करें और इसे एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।